नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी जी की जिद और उस एक जिद के बदले देश ने कितना खोया, कितना पाया, ये सब आपके सामने है। लेकिन एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। आंकड़ा 10 लाख लोगों की मौत का है। 10 लाख लोगों की मौत होगी और उस मौत के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी को बताया जा रहा है। वो आंकड़ा आपको बताएंगे, लेकिन एक सेकंड भर के लिए ठहरिए और सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी की जिद, लाखों किसान सड़कों पर बैठे रहे लेकिन कानून वापसी नहीं हुए, कोरोना के चलते लोग मरते रहे लेकिन बंगाल में रैली नहीं रुकी, प्रचार नहीं रुका, अब बेड अस्पताल नहीं मिल पा रहे हैं लेकिन मोदी महल बन करके रहेगा, यह है जिद। लेकिन अब एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। रिसर्च जर्नल की रिपोर्ट आई है और इसमें लेसेंट ने लिखा है, पीएम मोदी के काम माफी के लायक नहीं है, उन्हें कोरोना पर अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और 10 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी को बताया गया। क्या लिखा है, तो राष्ट्रीय तबाही की जिम्मेदार होगी केंद्र सरकार। द इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन के संपादक के हवाले से अनुमान लगाया गया है कि भारत में इस साल 1 अगस्त तक कोरोना महामारी से 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार इस राष्ट्रीय तबाही के लिए जिम्मेदार होगी। ध्यान से सुनिए, इस साल 1 अगस्त तक 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो इस राष्ट्रीय आपदा के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार होगी, यह कहा जा रहा है। गोदी मीडिया, उससे आप उम्मीद मत करिए, उसका कहीं पर कोई नामो निशान नहीं, उसको लोगों ने पूछना भी बंद कर दिया है। गोदी मीडिया क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उसको देखना भी बंद कर दिया है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय स्टडी अब की जा रही है, जो बाहर की मीडिया यहां पर आ रही है, वो कैलकुलेशन कर रही है, लोगों को ग्राउंड पर देख रही है, वो बता रही है कि 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिम्मेदार होगी, ये कहा जा रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों होगी, इसके लिए कारण दिया है, क्योंकि सुपर स्प्रेडर की चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक आयोजन की अनुमति दी, साथ ही कई राज्यों में चुनावी रैलियां की। जिस तरह से कुंभ को लेकर के 1 करोड़ के आसपास 90 लाख का आंकड़ा है, 90 लाख श्रद्धालु कुंभ में इकट्ठा हुए थे, 1 करोड़ के लगभग का यह आंकड़ा है। इतने लोगों को इकट्ठा करने की सरकार की तरफ से अनुमति दी गई और हमने ये खबर बता भी दी है कल ही आपको, कारवां मैगजीन के हवाले से खबर आपको बताई थी कि कुंभ के मुख्यमंत्री को केवल और केवल इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो भव्य कुंभ नहीं होने देना चाहते थे और मोदी जी भव्य कुंभ चाहते थे, इसलिए उनको साफ कर दिया गया, हटा दिया गया। अब यही बात जो है इसमें कही गई है इस रिपोर्ट में कि भव्य कुंभ यहां पर होता है, धार्मिक आयोजन होते हैं, साथ ही साथ रैलियां होती है और इस वजह से भारत के अंदर 1 अगस्त तक 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और उसके जिम्मेदार सीधे सीधे मोदी सरकार को ठहराया गया है। अब बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार क्या कर रही थी, अभी तक मोदी सरकार का काम क्या था, वो आप देखिए। सरकार आलोचनाओं पर लगाम लगाने में लगी रही। मोदी सरकार ट्विटर पर कौन क्या कह रहा है, किसने हॉस्पिटल के अंदर की वीडियो बना दी, किसने दिखा दिया कि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, किसने बता दिया कि यहां पर वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा, कहीं पर बता दिया गया कि पीएम केयर के जो वेंटिलेटर है वो फ्रॉड है, वो काम नहीं कर रहे, कहीं पर पप्पू यादव जैसे लोग जो है वो खुलासा कर रहे हैं कि बीजेपी के सांसदों की एम्बुलेंस वो खड़ी हुई धूल फांक रही है। तो इन सारी वीडियो को ढकने के लिए, उनको रोकने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए सरकार काम करती रही, लेकिन ग्राउंड पर जो काम करना था वो नहीं हुआ और उसके लिए राष्ट्रीय तबाही कहर मचा रही। अब इसके बाद में हेल्थ सिस्टम पर भी इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं और हेल्थ सिस्टम में लिखा है, जनरल ने भारत के हेल्थ सिस्टम पर भी सवाल खड़ा किया है। आगे लिखा है कि अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, वे दम तोड़ रहे हैं, मेडिकल टीम भी थक गई है, वे संक्रमित हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर व्यवस्था से परेशान लोग मेडिकल ऑक्सीजन बेड वेंटिलेटर और जरूरी दवाइयों की मांग कर रहे हैं। देश का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है और देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वो सुबह ट्वीट करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कांग्रेचुलेशन, असम में सरकार बन गई, वहां पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया, वो कांग्रेचुलेशन करते हैं, उनको रीट्वीट करते हैं, बधाई देते रहते हैं। केवल देश के स्वास्थ्य मंत्री का ये काम रह गया। छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोग ट्विटर पर लोगों को टैग कर रहे हैं,
समाज सेवी लोगों को टैग कर रहे हैं, अलग अलग विपक्षी पार्टियों के नेताओं को टैग कर रहे हैं और उनसे मदद मांग रहे हैं। यह है देश का सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। इसके बाद में बड़ी जो इसमें खबर दी गई है कि जानकारी के बावजूद सरकार बेपरवाह रही। भारत सरकार को पहले से जानकारी दी गई थी, चेतावनी दी गई थी, लेकिन उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया और इसलिए नतीजा आपके सामने। लेसेंट ने लिखा है कि हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन मार्च में ऐलान करते रहे कि अब महामारी खत्म होने को है। मार्च में ही डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, कांग्रेचुलेशन करने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ऐलान कर दिया था कि महामारी अब खत्म होने को है मार्च के अंदर। उसके बाद में क्या लिखा है कि अब महामारी खत्म होने को है, केंद्र ने बेहतर मैनेजमेंट के साथ कोरोना को हराने में सफलता प्राप्त की है। इससे पता चलता है कि दूसरी लहर की चेतावनी के बाद भी भारत सरकार नहीं चेती। तो सीधा सीधा यहां पर मोदी सरकार कटघरे में है। मोदी सरकार का मैनेजमेंट, मोदी सरकार का सिस्टम, वो कटघरे में है, सवालों के घेरे में है। कब तक आप लोग भागते रहेंगे? यहां की मीडिया ना पूछे, लेकिन बाहर के लोग तो आएंगे। दुनिया तो देख रही है कि आपने भारत को कहां पर धकेल दिया है। इसके साथ साथ वैक्सीन पॉलिसी पर भी सवालिया निशान लगाए गए हैं। सरकार ने पिछले साल कोरोना के शुरुआती दौर में महामारी को नियंत्रित करने में बेहतरीन काम किया, लेकिन दूसरे वेव में सरकार ने बड़ी गलती की। महामारी के बढ़ते संकट के बीच सरकार को एक बार फिर जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए था। संपादकीय में केंद्र सरकार को दो तरफा रणनीति पर काम करने का सुझाव दिया गया था। पहला, भारत को वैक्सीनेशन प्रोग्राम बेहतर ढंग से लागू करना चाहिए और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस पर काम हो। दूसरा, सरकार जनता को सही आंकड़े और जानकारियां मुहैया कराए। पहला तो दूसरे सुझाव की अगर बात करें जिसमें यह कहा गया है कि सही जानकारियां और आंकड़े मुहैया कराए, ये मोदी सरकार से आप उम्मीद मत करिए। यहां पर मौतों के आंकड़े सही नहीं मिलते हैं, कितने लोगों की मौत हो गई है, संक्रमित लोगों के, बीमार लोगों के कहां से मिलेंगे। दूसरी बड़ी बात, वैक्सीनेशन हर भारतीय का अधिकार होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने अभी भी प्रोग्राम चला रखा है कि 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगेगा। 1 मई से टीका उत्सव मना रहे हैं, लेकिन टीका उत्सव में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। जहां पर भी आप देखेंगे कि 18 साल के लोगों को, कई सारे तो ऐसे राज्य जिसमें बीजेपी के भी राज्य हैं जिन्होंने साफ कह दिया है कि हमारे पास में वैक्सीन नहीं है, अभी हम 18 साल के लोगों की वैक्सीनेशन शुरुआत नहीं कर सकते। केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो कह रहे हैं कि अगर हमें वैक्सीन दी जाए तो हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। क्यों नहीं इस स्पीड से सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी राज्यों को वैक्सीन प्रोवाइड की गई और उसके बाद में वैक्सीनेशन करवा करके देश को सुरक्षित किया गया। तो ये तमाम मोदी सरकार की वो गलतियां हैं, वो खामियां हैं जिसकी वजह से देश को धकेल दिया गया और अब देश में 10 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार मोदी सरकार और मोदी सरकार के सिस्टम मैनेजमेंट, उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको क्या लगता है? आप भी अपने आसपास माहौल देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, लगातार खबरों को पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई मोदी सरकार जिम्मेदार है कि आपको लग रहा है कि नहीं, बेचारे मोदी जी क्या करेंगे, ये तो विश्व स्तर पर एक महामारी आई है, इसमें अकेले मोदी जी क्या कर लेंगे? क्या आपकी राय ये है या आपको लग रहा है कि नहीं, मोदी सरकार जिम्मेदार है और उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कम से कम या तो वो इस्तीफा दे दें या ढंग से काम करना शुरू करें। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।